हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास क्लास 12। चैप्टर नंबर 5 इज गोइंग ऑन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग अबाउट द डिफरेंट प्रिंसिपल अबाउट द इनहेरिटेंस, दैट इज करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट टू नेक्स्ट पेरेंट, ऑल्सो अबाउट द जेनेटिव। सो मेंडल गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द जेनेटिक्स। मेंडल ने बताया, हियर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मींस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस मींस दिस क्रॉस इज ओनली सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल एंड रिजल्ट मे बी सेम। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फर्स्टली मेंडल क्रॉस, मेंडल क्रॉस टॉल एंड डार्क पी प्लांट। मेंडल ने क्या क्रॉस किया? टॉल और डार्क प्ली प्लांट को क्रॉस कराया। इन मींस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऑल सीड ऑब्टेन फ्रॉम दिस बाय द दिस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले टॉल और डार्क पी प्लांट को लिया, इसमें क्रॉसिंग कराया, जितने सीड हुए सब ऑब्टेन हुए। कैसे? उन्होंने क्या किया? कैपिटल टी और स्मॉल टी प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप को क्रॉसिंग कराया द मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। टी मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूचर कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल ने क्या पाया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस सिंपली कराया, जितने प्लांट इनको मिले सब एक जैसे मिले, सभी टॉल प्लांट मिले यफोन जनरेशन में। और उसमें मॉडिफिकेशन किया मेंडल ने, ऑल द सीड ही ग्रू ही नो दे अबाउट ऑल द सीड्स ऑफ ऑल द सीड्स जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन और यफोन जनरेशन, दैट इज कॉल्ड यफोन जनरेशन। ऑल द सीड जनरेट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जब इन्होंने यहाँ पे क्रॉसिंग कराया किसका? प्योर और टॉल और प्योर डार्क का, तो फर्स्ट रिजल्ट आया सामने उनके, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसको फर्स्ट हाइब्रिड भी बोलते हैं, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन भी इसको बोला जाता है। फर्दर इन द यफोन जनरेशन मेंडल फाउंड दैट नो वेरिएशन चेंज नो चेंजिंग इन वेरिएशन शो, बट दिस इज अ हाइब्रिड प्लांट शो hybrid tall plant, because this capital T is the dominant character and small T is the recessive character. Dominant express the character and recessive that suppress the character, but that is present inside the. After that Mendel self pollinated the F1 plants and found that in the F2 generation, in the second filial generation, some plants are also dwarf. In the 1/4 plant is also dwarf and tall plant is the 3/4 plant. Here you can see by this figure, this one Mendel takes one tall plant and one dwarf, tall or dwarf kaliya mass is ke जिसको ये जीनोटाइपिक कैरेक्टर जीनोटाइप्स यहां पे सेपरेट किया गया, क्योंकि सिंगल ट्रे करके इसको बनाया गया मोनो हाइब्रिड क्लास, मोनो हाइब्रिड क्लास किया गया। तो इसमें यहां पे मिला क्या? एक सिंगल, अगर हम सिंगल नहीं है तो सिंगल बना क्या? यफोन जनरेशन, यानी यफोन जनरेशन को कैपिटल टी स्मॉल टी को सेपरेट किया गया, जो कि सिंगल गैमेट है ये, और यहां पर क्रॉसिंग किया गया फॉर द F2 जनरेशन, रिजल्ट ऑफ द F2 जनरेशन इन द दिस इज नोन एज दिस स्क्वायर इज नोन एज पुनेट स्क्वायर और पुनेट स्क्वायर और करेक्टर बॉन्ड। दिस इज द पुनेट स्क्वायर नोन एज पुनेट स्क्वायर और करेक्टर बॉन्ड। सिंपली in the this unit square Mendel puts the value of male, female and male for the crossing purpose, capital T small t,
cross this capital, this cross together, capital T, capital T. This capital T, small t, capital T, small t. Over, then this one, this small t combined with capital T, small t, then small t, small t. अब यहाँ पर उन्होंने चेंजिंग देखा, कहाँ पे एफ वन जनरेशन पर यू कैन सी प्योर कार प्लांट मिला एक, दूसरा क्या मिला हाइब्रिड प्लांट मिले कार के, और तीसरा क्या मिला प्योर डार्क प्लांट मिले। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप कैरेक्टर मिला कितना, वन टॉल, टू हाइब्रिड टॉल एंड वन डॉर्फ टॉल, वन प्योर डॉर्फ टॉल रेशियो या जीनोटाइपिक कीजिए, वन रेशियो टू रेशियो वन। एंड एन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइप फिनोटाइप ही फाउंड बिकॉज यू कैन सी this one tall, this one tall, this one tall, 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 3:1, 3:1, so the phenotypic character means morphological character, you know that the phenotype means that so that a particular individual character showing their morphological or observable character, this is phenotypic, and the genotype means so that so the genetic constitution of the organism. ये हुआ है अबाउट मेंडल के एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस ऑफ वन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मेंडल ने बताया कि मेंडल ने क्रॉस किया टॉल और डॉर्फ पपी प्लांट को, और ही फाउंड दैट द इन द एफ1 जनरेशन ऑल द रिजल्ट इज द सेम आर ऑल द टॉल, इन द एफ2 जनरेशन ही क्रॉस्ड विद द बाय द सेल्फिंग प्रोसेस, दिस इज सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फिंग, एंड फाउंड दैट phenotypic and genotypic character of plants 3:1 in 3:1 character of this phenotype in the monohybrid cross and 1:2:1 character of genotype into the monohybrid cross, where 1:2:2 so one pure plant, two hybrid plant, one dark plant, and in the this one is phenotypic three tall plant and one dark plant. This is about the monohybrid cross. Next one is the Mendel told about the factor that transmit from one generation to next generation, that is called factors. Simply we can say Mendel called the factor that possess means transferred from one generation to the next generation through the gamete from one generation to next generation, that is called simply gene. Mendel ने क्या बताया, Mendel ने factor को बताया कि जो कि one generation से next generation तक जाता है from the gamete, that is gene, and gene is the simply that is called unit of inheritance. gene को simply हम लोग क्या बोलते हैं, unit of inheritance. inheritance की unit है that transfer the heredity character from one generation to next generation, from parent to the progeny. And one thing and this one is that this gene that code for a constant pair traits are known as allele. gene that code for a pair of constant trait are called allele. जीन का पेयर क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। वन टर्म हियर आल्सो यूज्ड बाय द मेंडल, होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। होमोजाइगस मींस दिस वन इज द होमोजाइगस, जहां पे दो ट्रेट एक जैसे हो, सेम हो, दैट इज नोन एज होमोजाइगस। होमो मींस सेम, जाइगस गैमेट होम जाइगस होमोजाइगस, एंड हेटरोजाइगस मींस वन, हेटरोजाइगस मींस नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हेटरो मींस डिफरेंट, एक टॉल है यहां पे एक डॉर्फ है, कैपिटल टी स्मॉल टी दैट शो इन द रिप्रेजेंट द हेटरोजाइगस कंडीशन। हियर टर्म कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द फॉर द पी प्लांट हियर फॉर टॉल एंड डॉर्फ। सो दिस इज अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन
that represents the genotype and phenotype characters of the organism. Simply Mendel used the bee plant this so the about characters of the pea plants by their gamete formation. And tomorrow I will tell in the next topic, test cross. Thank you.